कैपिटल न्यूज देख रहे हैं आप तमाम दर्शकों को मेरा अमित कुमार का नमस्कार। दोस्तों, वर्ष 2020 कोरोना की कड़वी यादों के साथ बीत चुका है। 2021 के प्रारंभ में ही कोरोना वैक्सीनेशन प्रारंभ होने के साथ आशा और विश्वास की एक नई किरण टिमटिमाती दिखाई दे रही है। जनवरी माह में कोरोना वैक्सीनेशन प्रारंभ होने के बाद पलामू भी इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। प्रारंभ से ही जो रुझान मिल रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, वो उत्साह बढ़ाने वाला है। जहां प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, वहीं किसी न किसी प्रकार से वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और मीडियाकर्मी अपने तरह से भूमिकाएं निभा रहे हैं। इसी क्रम में कैपिटल न्यूज ये मुहिम शुरू कर रही है, जिसमें समाज से जुड़े उन तमाम लोगों का इंटरव्यू हम आप तक लेकर आ रहे हैं, जिसमें कोरोना वैक्सीन को लिया जाना और उससे जुड़े अनुभव को साझा किया जा रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि कोरोना वैक्सीनेशन प्रारंभ होने से पहले ही समाज में तमाम तरह की भ्रांतियां, तमाम तरह की अफवाहें हम देखते और सुनते आ रहे हैं। इस मिथक को दूर करने के लिए हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम उन सभी लोगों का इंटरव्यू, उन सभी लोगों का अनुभव आप तक लेकर आए जिन्होंने इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि इस वैक्सीन को लिया भी है। इससे पहले हम पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर जैनब कैनेडी, डॉक्टर अरुण शुक्ला जैसे चिकित्सकों का इंटरव्यू भी आपको दिखा चुके हैं। और आज इसी क्रम में हमारे कैपिटल न्यूज के स्टूडियो में डाल्टनगंज के जाने माने विंध्याचल हॉस्पिटल के निदेशक मनीष कुमार सिंह जी मौजूद हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले ये बताएं, कल आपने कोरोना का टीका लिया है, वैक्सीन लिया है, कैसा अनुभव रहा? सबसे पहले धन्यवाद अमित जी और कैपिटल न्यूज जो आज तक हमारे साथ बहुत सारे कैंप में, बहुत सारे जगह आप लोग कोरोना काल में जो आप लोग भागीदारी निभाया, इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद पूरे कैपिटल न्यूज टीम को। जैसा कि कल हमने वैक्सीन लिया और काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और हम चाहते हैं कि और धन्यवाद देंगे अपने साइंटिस्ट लोग को जो दिन रात कड़ी मेहनत करके इस वैक्सीनेशन पर काम किए और इसको लाए। और एक बार फिर से धन्यवाद हमारे सिविल सर्जन महोदय जो पहले खुद से अपने टीका ले करके अपने लोगों पर विश्वास जीते और हम लोग तक पहुँचाए। और हम चाहते हैं कि पहले जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो भी दिन रात खड़े होकर के अपना काम किए हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम वो ले रहे हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं, पर डे का रिपोर्टिंग जा रहा है, अच्छा जा रहा है पलामू में। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और हमको उम्मीद है कि आगे 6 महीने तक सारे लोगों को ये वैक्सीनेशन मिल जाएगा। जी बिल्कुल, कोरोना महामारी से जब पूरी दुनिया त्रस्त थी, भारतीय वैज्ञानिक दिन रात एक करके कोरोना की जंग में जीत के लिए एक सफल वैक्सीन का इजाद करने में लगे हुए थे। जब कोरोना वैक्सीनेशन को लॉन्च किया गया तो लोगों में उत्साह दिखा, लोगों में एक उमंग दिखा। लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन आने के साथ ही जो हमारे आसपास के लोग हैं वहाँ पर अफवाहों का बाजार भी गर्म हुआ। कई तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह की अफवाहें हमें देखने और सुनने को मिली। इस बारे में जो आम जनमानस है उनकी क्या राय है, क्या सोच है? देखिए, सबसे पहले तो हम आम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि अफवाह के पीछे न भागें, क्योंकि कोरोना एक ऐसा महामारी है जो आदमी आज 6 महीना 7 महीना अगर हम पीछे जाते हैं तो देखते हैं, न्यूज़ में सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत भयावह स्थिति था। और ये अफवाहों पे बिल्कुल ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं। अगर वैक्सीनेशन 6 महीना में सारे लोगों को मिल जाती है तो बिल्कुल लें, इससे हमारा जिंदगी बचेगा। और अगर कोरोना को अगर हमको हराना है तो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपने अंदर को अपने आप से मजबूत करना होगा। तो एक वैक्सीनेशन हमारा एक ऐसा स्टैंड है जिससे कि हम काफ़ी मजबूत होंगे। और हमारे साइंटिस्ट जो दिन रात आज 6 महीना से लगातार कोशिश करके एक वैक्सीन जो आज हम लोग के यहाँ मिल रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप देखे होंगे 2-3 दिन 4 दिन पहले, इंडिया एक ऐसा देश है जिससे कि हमारा वैक्सीन बाहर जा रहा है, जो दूसरे देश में सप्लाई हो रहा है। तो इसे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वैक्सीन लेना चाहिए और बिल्कुल लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने। और ये बात दिगर है कि जितने भी छोटे देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको चिकित्सकीय मदद पहुँचाने के लिए भारत हमेशा तत्पर रहा है। और वैक्सीनेशन की भी अगर हम बात करें, कोरोना के वैक्सीन की भी बात करें, तो कोरोना का वैक्सीन बड़े तादाद में छोटे छोटे देशों में भेजा जा रहा है। ये इस बात का प्रमाण भी है कि कोरोना का जो वैक्सीन है, जो कोविशील्ड ब्रांड जो दिया जा रहा है, वो पूरी तरह से न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि कारगर भी है। मनीष जी, क्या प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, एक आम आदमी कैसे इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जुड़ सकता है? जैसा कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी का कल परसों एक इंटरव्यू आ रहा था,
3 मिलियन लोगों को अभी तक लग चुका है जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, और उन्होंने एक कमिट भी किया है कि आने वाले 3 महीने में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको 3 मिलियन उनको भी लगना है, उसके बाद फिर यंग जनरेशन को सबको लगना है। तो दिन पर धीरे 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 जैसे मैन्युफैक्चर होते जाएगा इस सारे लोगों को, हम बता दें आपको कि 6 महीना में हमारे समझ से सारे लोगों को ये मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। जी बिल्कुल, जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है उसमें सबसे पहले चिकित्सक और चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए लोगों को वैक्सीनेशन कराना है, उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको ये जो टीका है वो लगाना है, और उसके बाद फिर बुजुर्गों की बारी आएगी, और इसके बाद फिर समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है वो पहुँचेगा। मेरे प्रश्न का तात्पर्य है कि पलामू में एक आम आदमी अगर वैक्सीन लेना चाहे, वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जुड़ना चाहे, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना है? सबसे पहले तो जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं पहले उनको वैक्सीन लग जाएगा, उसके बाद फिर अपना रजिस्ट्रेशन जाके सिविल सर्जन ऑफिस में सिविल सर्जन साहब से मिल करके रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा, उसके बाद धीरे 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 करके सारे लोगों को ये उपलब्ध हो जाएगा। क्या कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, कोई आधार कार्ड, पहचान पत्र? हाँ, इसमें आपको पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड, 3 चीज़ आपको वहाँ पे। तो कैपिटल न्यूज़ के माध्यम से आम जनमानस को एक संदेश कि अगर आप COVID-19 का टीका लेना चाहते हैं, अपने और अपने परिवार का जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो सिर्फ 3 प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड ना भी हो, आधार कार्ड हो, तो आप सिविल सर्जन के कार्यालय में जाकर मिल सकते हैं, अपना पंजीकरण करा सकते हैं और COVID-19 का टीका ले सकते हैं। विंध्याचल हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। पिछले 6 वर्षों से हम लगातार आपकी सक्रियता को देख रहे हैं। विंध्याचल हॉस्पिटल की क्या कार्यप्रणाली रही, कोरोना काल में क्या कुछ उपलब्धियां रही हॉस्पिटल के नाम? जैसा कि जब हमारा देश न कह के पूरा विश्व कहें जो जूझ रहा था उस समय कोरोना महामारी से, सारे जगह लॉकडाउन लग गया था, बहुत सारा दिक्कत जो आ रहा था, तो हमने सैनिटाइजर, मास्क वगैरह ले करके, और हमने 60 दिन कंटिन्यू पर डे अपना करीबन 300 से 400 लोगों को पर डे हम थे, हमारे थाना प्रभारी अभिमन्यु सर थे, आशीष भारद्वाज भाई थे, हमारे एनवी सिंह थे, क्राउन प्लाजा के जो मालिक हैं, ये 4-5 लोगों की टीम थी जो हम लोग काफ़ी 60 दिन कंटिन्यू उन लोग को भोजन, सूखा राशन, और हम लोग से जितना भी बन पाया, और ये स्वास्थ्य विभाग से सैनिटाइजर, मास्क वगैरह हम लोग कंटिन्यू इसको किए 60 दिन कंटिन्यू, और काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को, इतना बड़ा समर्थन मिला हम लोगों को, और हम इसके लिए पूरे मीडिया को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि मीडिया भी बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ली, और ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई जगह नहीं बचा जहां मीडिया अपना जा करके अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से किया। मतलब आज तक अगर कोरोना को से अगर हम लोग बचे हैं तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत चीज़ों को फ्रंट पे लाई मीडिया, जिससे हम लोग देखे, हम लोग समझे उस चीज़ को कि वो क्या चीज़ है, उससे हम लोग बचाव किए अपने आप को। तो एक बार दिल से धन्यवाद है पूरे मीडिया बंधु को जिन्होंने इतना अच्छा काम किया कोरोना काल में, और हम उनके साथ हमेशा चलते हैं और चलते रहेंगे। बिल्कुल, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, लोकतंत्र का दर्पण है, आईना है मीडिया, और मैं अपने दर्शकों के साथ ये बात साझा करना चाहूँगा कि कैपिटल न्यूज़ तमाम मुद्दों पर, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई मुद्दे हो या सामाजिक, समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, हमेशा आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए और आपके बीच हमेशा मौजूद रहता है। कैपिटल न्यूज़ लगातार ये मुहिम चला रहा है कि COVID-19 में जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है उसमें आप जरूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और एक छोटा सा अपडेट मनीष जी मैं देना चाहूँगा अपने कैपिटल न्यूज़ के दर्शकों को कि जब कोरोना काल से पूरा देश त्रस्त था, उस दौर में भी पलामू जो था वो कोरोना पीड़ितों की संख्या के मामले में सबसे निचले पायदान पर था। कोरोना काल में पलामू की इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ने जबरदस्त असर दिखाया था, और यहाँ पर अपेक्षाकृत दूसरे राज्यों और दूसरे जिलों के अपेक्षाकृत यहाँ पर कोरोना से पीड़ितों की संख्या काफ़ी कम थी। और आज भी पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर जॉनफ कैनेडी हमें प्रतिदिन आंकड़ा उपलब्ध कराते हैं वैक्सीनेशन से संबंधित, उसमें भी पलामू अव्वल दर्जे पर है, जहां बाकी जिलों में 40-50-60% COVID-19 का टीका दिया जा रहा है, वहां पर पलामू में ये दर 80% से ऊपर चला गया है। तो यकीनन पलामू वासियों का धैर्य, पलामू वासियों का विश्वास ये काबिले तारीफ है, और स्वास्थ्य विभाग की जो मुहिम है COVID-19 का टीका लेने की, उसमें इन पलामू वासियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। क्या अंतिम संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जितने भी आज हमारे स्वास्थ्यकर्मी जो टीकाकरण में जो अपना काम कर रहे हैं,
बहुत एक्टिवनेस के साथ अपना काम कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं। बहुत लोगों को, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनको टेलीफोन कर करके, बहुत फोर्स कर करके उन्होंने अपना अपना काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बार फिर हम बोलना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हर इंसान को ले लेना चाहिए, धीरे धीरे उपलब्ध करके आ जाएगा। ये अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज है जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर को मिल रहा है, और इसको र्यूमर की तरह ना उड़ाएं। ये वैक्सीन अच्छा चीज़ है और हमको अपने गर्व है साइंटिस्ट पे जो दिन रात एक करके इस काम को किए हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जी बिल्कुल, पूरे भारत को गर्व है हमारे देश के उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने दिन रात एक करके कोरोना से जंग जीतने की तैयारी की है कोरोना वायरस के टीके के रूप में। प्रशासन और कैपिटल न्यूज आपसे लगातार ये अपील करती है कि जब आपकी बारी आए तो आप कोविड-19 का टीका जरूर लें और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। इस बीच आप सामाजिक दूरी का पालन अवश्य करते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें और अपना और अपने परिवार का जीवन खुशहाल रखें। हमारे स्टूडियो में आकर हमसे बातचीत करने के लिए मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।